शो, मैं हूँ आयशा अब्रार। एक नई सुबह के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ करते हैं आपको खुश आमदीद। आई होप आपको मंडे ब्लूज नहीं हो रहे होंगे, और इसीलिए मैंने ग्रीन कलर पहना है क्योंकि मुझे मंडे ब्लूज नहीं हो रहे। मंडे ब्लूज का मतलब होता है कि आप सोचे मंडे फिर आ गया, बट आई लव मंडे। जब काम आपकी जिंदगी में ऐसा हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो तो मंडे बहुत ही खुशी के साथ गुजरता है। वेल, एक और भी वजह है इस खुशी की। एक और वजह यह है कि जैसे हम सब जानते हैं नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, ये वो महीने हैं जिसमें बहुत सारे लोग या तो किसी शादी में जा रहे होते हैं या अपने घर में शादी हो रही होती है। तो हमने सोचा हम अपना एक छोटा सा एफर्ट आपके लिए करते हैं, और वो ये है कि जो एक कॉन्सेप्ट है ना शादी का, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, वो हम आपके साथ शेयर करें, और उस पर हम कुछ वाइज लोगों को यहाँ पे बुलाएं, उनका विजडम आपके साथ शेयर करें। कैसे भला, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी, लेकिन शो का जो पूरा एक फॉर्मेट है उसको मैं बताना चाहती हूँ। खाने में क्या है मैं आप देखेंगे कि आज हम बनाएंगे कोल्ड सैंडविचेस। कोल्ड सैंडविचेस क्यों बनाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, सर्दियां हैं और ये कोल्ड सैंडविच बना रही हैं, ये सर्दियों में तो बनाने की चीज़ नहीं है। जब गैस नहीं आ रही होती तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं लाइक कि आप कुछ बस किसी तरह हैक कर ले इस वजह से, जिसके लिए फौरन चूल्हे की ज़रूरत ना हो। वैसे हम बनाएंगे आज सैंडविचेस, और इसके साथ साथ काम की बात है मैं आपको हम मिलवाएंगे काम की बात में एक दो ऐसी खवातीन से जो कि रिश्ता कराती हैं। जब हम कहते हैं रिश्ता कराने वाली ख्वातीन या कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी एजेंसी, तो दिमाग में ये आता है कि पता नहीं रियल होगा या नहीं, सिर्फ बिजनेस है इनके लिए, किसी को भी किसी से मिलवा दें। मैच मेकिंग को सबसे पहला जो एक दिमाग में कॉन्टेक्स्ट आता है वो ये आता है कि पता नहीं रिलाय इस पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास दो इस तरह की रिलायबल ख्वातीन मौजूद होंगी जिनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से होता है ये सिलसिला, किस तरह से आप मेक श्योर करते हैं कि जो भी रिश्ता देखा जा रहा है किसी ख़ास इंसान के लिए वो सही है, उसमें कम से कम रिस्क हो। रिस्क तो दुनिया की हर चीज़ में होता है, रिश्ते जैसी चीज़ में तो हमेशा होता है, चाहे वो एक अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और आपकी कॉल्स का हमें रहेगा इंतज़ार। और इसके साथ साथ जब एक पूरा सिलसिला होता है जिसमें लड़की के लिए कपड़े पैक किए जाते हैं, लड़के के लिए कपड़े पैक किए जाते हैं, तो उसको खूबसूरती से किस तरह से करना है, कहने को तो गिफ्ट आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, लेकिन एक तरीके से जो है ना वो एक खूबसूरती के साथ किस तरह से पैक किए जा सकते हैं वो शादी के तोहफे तहाइफ, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ चलते हैं हमारी न्यूज़ की जानिब। कराची का नाम एक बहुत अच्छी जगह आया है, और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहाँ आया है। कराची जो है वो छठे नंबर पर आया है मोस्ट अफोर्डेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड में, यानी कि बेसिकली एक बॉडी है जो कि इसको EIU कहते हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। छठे नंबर पर जैसे कि मैंने बताया वो आया है वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में। ये क्या होती है कि बॉडी काफ़ी सारी चीज़ों को देखती है कि जिस भी सिटी या कंट्री की बात हो रही है वहाँ पर रहना कितना अफोर्डेबल है, और इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि अभी जो 20 साल गुजरे हैं इसमें से जो ये एक साल है 8.1% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ी है, और ये सबसे ज़्यादा है 20 सालों की हिस्ट्री में, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखी गई। और उसके बावजूद भी जो कराची है वो छठे नंबर पर आया है, और मैं आपको बता देती हूँ कि पहले नंबर पर जो दुनिया की एक सिटी है विच इज़ लाइक द मोस्ट अफोर्डेबल, यानी कि खाना पीना रहना कन्वेंस यूटिलिटी बिल्स ये सब कुछ मिलाकर जो है ये एक रिकॉर्ड बनता है, डमास्कस जो कि सीरिया में है ये मोस्ट अफोर्डेबल है। इसके बाद आता है त्रिपोली जो कि लीबिया में है, तेहरान है जो कि ईरान में है, तूनिस है जो कि तुनिसिया में है, ताशकंद है जो कि उज़्बेकिस्तान में है, और यही रीज़न है कि लोग बाकू बड़े शौक से जाते हैं कि बाकू भी एक और सिटी है वहाँ की, और फिर है कराची। तो वेल एक बार मेरी एक किसी राइड में मैं जा रही थी, वहाँ पे मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर से या इस्लामाबाद से कराची आया हूँ काम करने के लिए। तो मैंने कहा अगर आप वहाँ खुश थे तो आप कराची आए हैं क्यों काम करने के लिए, लोग आते हैं बट आप क्यों आए। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि कराची सबकी माँ है, यानी वो सबको, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, अगर आप काम करने की सलाहियत रखते हैं और विलिंग है तो किसी ना किसी तरह आपको कराची में जॉब मिल जाएगी, गुजारा हो जाएगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब, और ये थी हमारी पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ हमारी ये है कि
एक आपने शायद सुना होगा, फोर्ब्स के नाम से एक मैगज़ीन है जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड बहुत बड़ा एक बिजनेस का मैगज़ीन है। अगर फोर्ब्स के अंडर 30 में किसी का नाम आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। और ये नाम आया है एक नहीं दो दो पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी ब्रदर्स हैं मोहम्मद अमदानी और अमार अमदानी। और इन्होंने किया क्या है बेसिकली, इन्होंने US में और जो है वो लैटिन अमेरिका में एक इस तरह का बिजनेस इस तरह का काम करते हैं जिसमें ये बेसिकली फंडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती हैं उन लोगों को जो कि जिनको हम कहते हैं पीपल ऑफ कलर या कि माइनॉरिटीज़, यानी हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जितने भी इमिग्रेंट्स होते हैं वो जब वहाँ पर जाते हैं अपना कोई बिज़नेस प्रपोजल बताते हैं कि जी हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं। हर इंसान के पास अपने ज़ाती पैसे तो नहीं होते ना बिज़नेस करने के लिए, तो जब वो फंडिंग हासिल करते हैं तो इन दोनों भाइयों ने उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और फोर्ब्स ने जब इनको मेंशन किया तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसलिए है बिकॉज़ जब आप अपनी ही कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जिसके थ्रू आपकी कम्युनिटी के लोग डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस जो है वो चला पाएँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात पूरी दुनिया में समझी जाती है। सो वेरी वेरी हैप्पी। और जहाँ पर हम ये कहते हैं कि बिज़नेस करें अपने पैसे से कैसे करें, ऐसे लोग हैं जो कि हमारे लिए, आपके लिए, अगर आपके पास एक आइडिया है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं फंडिंग चाहिए, तो इस तरह लोगों से राब्ता किया जा सकता है। दे आर कॉल्ड अमदानी ब्रदर्स। वेल, ये थी हमारी न्यूज। अब जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोल्ड सैंडविचेस बनाएंगे जिसके लिए अंडे पहले से उबाल के रख लें, उसके बाद किसी गैस की जरूरत नहीं है। तो जब गैस ना आ रही हो कोल्ड सैंडविचेस खाएं। आसान सी रेसिपी है बट बहुत मजे की रेसिपी है। तो